हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट टैक्सी में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ उन यूट्यूबर्स की जिन्होंने अपने कैमरे के अंदर कुछ लाइव सबसे डरावने पल कैद किए हैं। और दोस्तों, ये डरावने पल कुछ असली भूतों के भी कह सकते हैं आप हैं, या फिर आप कुछ कह सकते हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, उनके कुछ ऐसे रियल लाइव सबूत जो हैं कैद किए हैं अपने कैमरे के अंदर। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन यूट्यूबर्स हैं जो इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के शिकार बने हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने चलते हैं अपने सबसे पहले शिकार की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला शिकार है गौरव जोन। और दोस्तों, आपने गौरव जोन के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा, मैं भी गौरव जोन को काफ़ी पहले से फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों, गौरव जोन के साथ ऐसा हुआ था कुछ टाइम पहले कि उन्हें जब वो दिल्ली के अंदर एक्सप्लोर करने गए थे एक हॉन्टेड जगह को अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में, तो दोस्तों जैसे ही वह उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी मिस्टीरियस सी चीज़ थी जो कि सड़क पर चल रही थी और वो ऐसा लग रहा था कोई चार पैरों पर जैसे सड़क पर चल रही हो। दोस्तों, अब वो क्या चीज़ थी वो तो नहीं हम कह सकते, कई लोगों ने तो ये भी कहा कि वो एक कुत्ता था जिसके ऊपर चादर गिरी हुई थी, पर असलियत में वो क्या चीज़ थी ये तो गौरव सर ही जानते होंगे। और दोस्तों, इस घटना के बाद गौरव सर इतना डर गए थे कि उन्होंने अब हॉरर व्लॉगिंग जो है क्विट कर दी है पूरी तरह, और उन्होंने ये बोला कि अब वह किसी भी टाइप का हॉरर व्लॉग नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है वैसे देखा जाए तो उनका डिसीज़न इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो कोई इतनी पैरानॉर्मल देखा जाए तो इतनी डरावनी घटना नहीं थी, लेकिन हाँ, ये एक बार तो देखा जाए तो बंदे को डरा सकती है। और अगर आप गौरव सर की जगह आप होते तो शायद आप भी डर जाते। तो फ्रेंड्स, आप ही गेस करिए कि ये क्या चीज़ थी। और ये रही आपके सामने इस घटना की छोटी सी क्लिप। तो ये लास्ट जगह है, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। देखते हैं भाई, क्या पता मिल जाए। और जगह देखो एक बार, पूरे सुनसान है, यहाँ भी कोई नहीं आता। ओह शिट 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 शिट, हिल भी रहा भाई, ये फुक 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 चल भी रहा भाई, भाग 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 अबे भाग साले, बैग ले बैग ले भाई, बैग ले बैग ले, जल्दी ले जल्दी ले। ओ तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा शिकार है IMJ स्टेशन। और दोस्तों, IMJ स्टेशन ने अपने चैनल पे कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड करी जिसके अंदर उन्होंने लिविंग डॉल चैलेंज को एक्सेप्ट और कंप्लीट किया। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने उस चैलेंज को कंप्लीट किया उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। दोस्तों, जिस बॉक्स के अंदर वो डॉल थी उन्होंने देखा कि वो बॉक्स भी किसी मिस्टीरियस तरीके से हिलने लग गया। अब वो कैसे हिल रहा था ये तो कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, इतना सब होने के बाद IMJ स्टेशन काफ़ी डर गए, तो उन्होंने अपने भाई को जाके उठाया और इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो दोस्तों, जैसे ही वो भाई उठे तो उन्होंने देखा कि जिस कमरे के अंदर इस जे स्टेशन ने उस चैलेंज को कंप्लीट किया था वो कमरा अभी लॉक था, और उस कमरे के अंदर ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई चीज़ चल रही हो, क्योंकि उस कमरे के नीचे के जो थोड़ा सा सेक्शन था उसमें से आप देख सकते हैं कि कोई परछाई जैसी चीज़ लेफ़्ट राइट चल रही है। अब वो क्या चीज़ थी ये भी हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों हिम्मत करके वह दोनों भाई उस गेट को खोलते हैं और देखते हैं वही गुड़िया उस कमरे के अंदर बैठी है, दो मोमबत्ती और दो शीशों के बीच में एक किनारे के अंदर। तो दोस्तों, इतना डरने के बाद उन्होंने सोचा कि इस डॉल को वो वापस से जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ देंगे, या फिर इस डॉल को जो है बर्न कर देंगे या बर्बाद कर देंगे। तो ये रही दोस्तों आपके सामने जे स्टेशन के साथ हुई घटना की एक छोटी सी क्लिप। Man, this door was open before, now it's closed. Nah, shut up. You, what? Bro. No way, bro, no way. It is freaking moving in there. Nah, dude, you're messing with me. Bro, I'm not messing around. Man, I promise you, dude. Yo, should we go in? Why did we bring that doll back to the house, bro? Should we go in there, bro? I am terrified, dude. I got... No way, bro. The doll is just there. You saw that under the door, right? Bro, I saw a shadow, dude. Bro, for sure. Whoa! Bro. Bro, what the hell, bro? We gotta end this right now. Hold on. तो दोस्तों, आज के हमारे तीसरे शिकार हैं जिसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटित हुई थी, वो है ओमर घोष टीवी। और दोस्तों, ओमर घोष अपने यूट्यूब चैनल पे हॉन्टेड प्लेसेस और हॉन्टेड पैरानॉर्मल चैलेंजेस को कंप्लीट करते हैं और उन सब के वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ओमर घोष ने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर उन्होंने एक मैनिक्विन के साथ वन मैन हाइड एंड सीक चैलेंज को कंप्लीट किया था। तो दोस्तों, जैसे ही उन्होंने इस चैलेंज को शुरू किया तो वह उस मैनिक्विन को ढूंढने लग गए। और दोस्तों, जैसे जैसे वो ढूंढ रहे थे
और तभी उनके पास एक दोस्त आया उनका और उन्होंने बताया कि उनका गुड्डा थॉमस जो कि उन्होंने एक फायरप्लेस के अंदर जलने के लिए रखा हुआ था वह वहाँ से गायब है और सिर्फ वहाँ पे उसका एक टुकड़ा बचा है। दोस्तों थॉमस वो गुड्डा है जो ओमर घोष ने ऐसी ही एक अपनी वीडियो के अंदर यूज़ किया था वन मैन हाइड एंड सीक चैलेंज के लिए, और जब उन्होंने इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए उस गुड्डे को फायरप्लेस में रखा तो अब जो वो वीडियो बना रहे थे उस वीडियो के अंदर वह मैनिक्विन और वह गुड्डा दोनों ही गायब थे। तो दोस्तों जैसे जैसे वह उन दोनों को ढूंढने लगे तो उन्होंने देखा कि वह मैनिक्विन और वह थॉमस या फिर वो गुड्डा एक बेंच पर बैठे हैं और वह गुड्डा उस मैनिक्विन की गोद में बैठा है। दोस्तों ये देखने के बाद वह थोड़ा घबरा गए तो उन्होंने इस गेम को ख़त्म करने का डिसाइड किया। तो दोस्तों उन गेम को ख़त्म करने के बाद उन्होंने उस मैनिक्विन और थॉमस को उस गुड्डे को वापस से जला दिया, और दोस्तों जैसे ही उन्होंने जलाने के लिए खड्डा खोदा और उस खड्डे के अंदर उन्होंने उस गुड्डे को फेंका तो उन्होंने देखा कि वो मैनिक्विन उस खड्डे से अपने आप ही बाहर आ गई। तो दोस्तों उन्होंने बिना डरे उस मैनिक्विन को वापस उस खड्डे में जलने के लिए घेर दिया और इस वन मैन हाइड एंड सीक चैलेंज को कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों अब आप देखने जा रहे हैं ओमर घोष के साथ घटित हुई इस घटना की एक छोटी सी क्लिप, और ज़रूर डिसाइड करिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस क्लिप ये रियल है या नहीं है। What the hell is this? I'm not scared. Where are you? Burning hell. तो दोस्तों अगर आपको जो भी आपका सजेशन है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। तो गुड बाय एंड टेक केयर।